अक्षय कुमार के मिशन रानीगंज बॉक्स ऑफिस पर कर पाएगी क्या रिकॉर्ड तोड़ कमाई, जाने क्या कहती है एडवांस बुकिंग रिपोर्ट। अक्षय कुमार की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म OMG 2 बॉक्स ऑफिस पर काफी सक्सेसफुल रही थी। वहीं अब खिलाड़ी कुमार रियल लाइफ हीरो पर बेस्ड फिल्म मिशन रानीगंज द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू से सिनेमा हॉल्स में छाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। टीनू सुरेश देसाई के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म एक सर्वाइवल थ्रिलर है जो कि 1989 में वेस्ट बंगाल में रानीगंज कोल फील्ड्स के ठहरने पर बेस्ड है। आपको बता दें अक्षय कुमार फिल्म में रियल लाइफ हीरो जसवंत सिंह गिल का रोल निभाते हुए नजर आ रहे हैं, जिन्होंने रानीगंज कोल फील्ड्स में फंसे 65 खनिकों को बचाया था। चलिए जानते हैं एडवांस बुकिंग के लिहाज से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई करने वाली है। मिशन रानीगंज अपने अनाउंसमेंट के बाद से ही जबरदस्ती टॉपिक ऑफ द टॉक बनी हुई है। हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया था जिसे मिला जुला रिस्पॉन्स फैंस की तरफ से मिला था। वहीं अब अक्षय की इस अपकमिंग फिल्म की पहली एडवांस बुकिंग रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मिशन रानीगंज ने पहले दिन में अभी तक 16,725 टिकट की बुकिंग कर चुकी है, जिससे इसका कलेक्शन लगभग 39 लाख रुपए का हो पाया है। एडवांस बुकिंग के लिहाज से ये कमाई काफी कम है। दिलचस्प बात यह है कि अक्षय और परिणीति स्टारर मिशन रानीगंज द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू बॉक्स ऑफिस पर रिया कपूर के प्रोडक्शन की फिल्म थैंक यू फॉर कमिंग के साथ क्लैश करेगी। इस फिल्म में शहनाज गिल, भूमि पेडनेकर, कुशा कापिला, करण कुंद्रा, शिबानी बेदी, अनिल कपूर सहित कई कलाकार मेन लीड रोल में हैं। इसके अलावा मिशन रानीगंज का मुकाबला पुलकित सम्राट, वरुण शर्मा, ऋचा चड्ढा और पंकज त्रिपाठी स्टारर फुकरे 3 से भी होगा, जो इस टाइम बॉक्स ऑफिस पर जोरदार कमाई कर रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मिशन रानीगंज उम्मीदों पर कितनी खरी उतर पाती है। आपको बता दें कि ये फिल्म सिनेमा हॉल्स में कल यानी 6 अक्टूबर को दस्तक देने वाली है। पर आप अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म मिशन रानीगंज को देखने के लिए है कितने ज्यादा एक्साइटेड, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।